अब थोड़ा इमोशनल इमोशनल देखिए इमोशनल हटना ये माँ मैं आ गया माँ मैं आ गया माँ खड़े रहिए देखा कितना बनावटी कर रही है मैं आपको दिखाता हूँ रियल वाला कॉमेडी कॉमेडी दिखाता हूँ अब सिर्फ टाइमिंग देखना भाई टाइमिंग है भगवान ने तुझे इस दुनिया में तो भेजा मगर तेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा अपनी बात कर रही है क्या कर रहे हैं इंदर और इलेश क्या हो गया इन्हें तू तो कह रही थी कि सुहाना से मिलने मुंबई से कोई आया है हाँ आए ना ये हट नहीं रहे ना भैया ये देखिए ये है ना आप यहाँ थैंक गॉड मैडम आप आ गई मैडम आपने मुझे पहचाना मैं मुंबई में आपको अक्सर बीच के पास मिला था रेस्टोरेंट में वो या बट आप यहाँ कौन है ये अरे रानी ये मुंबई से आए हैं कास्टिंग डायरेक्टर है ये सीरियल के अरे वो जहाँ पिया वहाँ मैं नाम का सीरियल बना रही है ओ ये वही है ना ये वही है आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं नमस्ते मैंने ना मुगले आजम में अनारकली का रोल किया था आपको इंद्र भैया बताएंगे चुप रहे ना भाई साहब जरा इधर गौर कीजिए गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखिएगा जरा हैं तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख बलवंत राय के बीप बीप देखा आपने कितना झूठा कर रहे अरे रियल परफॉर्मेंस तो मैं दिखाता हूँ रियल एक्शन याओ मैडम प्लीज हम लोग कहीं अलग बात कर सकते हैं वरना मैं पागल हो जाऊंगा देखिए अगर आप फिर से मुझे सीरियल में एक्टिंग करने के लिए बोलने के लिए आए हैं मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ मुझे एक्टिंग नहीं करनी है भाई साहब आपको रोल ही कराना है ना तो मैं हूँ ना मैं करूँगा मुगले आजम नाटक में मैंने सलीम का रोल किया था भाई ए भाई रोल तो इन्होंने किया था लेकिन सारे डायलॉग्स मैंने बोले थे दूसरों के डायलॉग्स चुप रहो दोनों इंदर तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चलो जाओ रानी दो मिनट मैडम आपको दिल्ली आना था और देखिए किस्मत हमारा सीरियल भी दिल्ली में ही शूट होना है यही सेट लग रहा है दिल्ली बेस्ड कहानी है आप दिल्ली की हैं और आपकी फैमिली भी दिल्ली में है मुझे एक्टिंग नहीं करनी अरे अरे भाभी जी आप ही समझाइए ना अरे आप लोगों को पता नहीं है कितने पैसे बनेंगे महीने में कितने अरे 2 लाख तो बन ही जाएंगे जी दो लाख अरे 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 क्या बात कर रहे हो भाई हाँ सर अरे जब मैडम स्टार बन जाएंगी तो बाहर की कमाई अलग है कभी रिबन काटने जाओ तो कभी अवार्ड फंक्शन में डांस करने जाओ अवार्ड देना है तो पैसे ले लो अवार्ड मिलना है तो फ्री में जाओ और फिर दिवाली में तो डांडिया है ही फिर किसी की शादी में शरीक होना है तो उसके लिए भी पैसे अलग से हैं मतलब ये लोग किसी और की शादी में जाने के लिए भी पैसे लेते हैं अरे फिर ये सब कुछ तो हीरो को भी मिलता होगा चलो भाई मैं तैयार हूँ चलो बैठ जाओ मैं तैयार हूँ अबे विलेन की बात नहीं कर रहा मैडम आप सिर्फ हाँ कह दीजिए महीने का टोटल एवरेज 3-4 लाख रुपए से कम होगा ही नहीं कितना 3-4 लाख लिसन मिस्टर मुझे पैसे नहीं चाहिए और मुझे एक्टिंग भी नहीं करनी है इज दैट क्लियर अरे संजना क्या हुआ जस्ट सेट सच पर संजना हुआ क्या तुम अभी भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ मैंने तुम्हें बताया था ना कल तुमने घर वालों से बात की नहीं संजना अभी नहीं की दीपक व्हाट आर यू वेटिंग फॉर
तुमने कल मुझसे कहा था ना कि तुम बात करोगे, नहीं तो मैं डैड से बात कर लेती। यू नो ही आस्क्ड मी इफ आई लव समवन। संजना, तुमने अंकल को कुछ बताया तो नहीं ना? माय गॉड, तुम इतना डर क्यों रहे हो? दीपक, तुम्हें पता है ना, डैड को तुम्हारी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो तुम्हें भी बहुत मानते हैं और तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? लिसन, या तो तुम बात कर लो या मैं बात कर लेती हूँ। नहीं संजना, तुम समझ नहीं रही हो, माँ को तुम्हें पता है मामा जी मेरे असली मामा जी नहीं है। या आई नो, मुझे पता है दीपक, राधा बुआ को दादाजी ने पाला है, वो हमेशा से कश्यप परिवार के साथ रहती आई है, आई नो ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ पता है मुझे, दीदी हमें सब कुछ बता चुकी है, सब कुछ। क्यों जन्म देकर मुझसे अपना मुंह फेर लिया? क्योंकि तुम्हारी शक्ल उस शख्स से मिलती है जिसने मेरी आत्मा को रौंद दिया था। और क्या जानती हो हमारे बारे में? और क्या जानना है दीपक, सारी कश्यप फैमिली तुम्हें और राधा बुआ को पराया नहीं समझती, दे लव यू, यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, और दीदी के भी तुम फेवरेट देवर हो, और इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं जानना। मेरे पिता के बारे में क्या जानती? उनके बारे में क्या जानना है? He is no more. I'm sorry. नहीं संजना, तुम कुछ नहीं जानती, तुम नहीं जानती कि मैं क्या हूँ। Listen दीपक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, and I'm sure कि हमारी फैमिली को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं जानना। No संजना, That's not important. ये उससे भी important बात है। क्या तुम जानती हो कि मैं क्या हूँ? Yes, I know you're a coward. सच तो ये है कि तुम डरते हो। सिर्फ इतनी सी बात बताने में तुम्हें अपने घरवालों से डर लगता है। मेरी ही गलती है कि मैं तुम जैसे डरपोक से प्यार कर बैठी। कॉलेज में तो बड़ा आप करते फिरते रहते हो, और प्यार की बात आई तो हाथ पांव फूल रहे तुम्हारे। संजना, I'm serious, संजना, please listen to me. मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना मुझे तुमसे बात करनी, मैं जा रही हूँ उस रोहित से शादी करने। संजना, संजना, वेट, संजना, संजना। मैंने आपसे 1000 times कह दिया, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपका फोटो चैनल को भेज चुका हूँ और चैनल ने अप्रूव भी कर दिया है, अगर आप नहीं करेंगे तो हमारा सीरियल फंस जाएगा। आप बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ, बैठिए। प्लीज, इनफ नाउ। ओके मैडम, मैं समझ गया कि आपको पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जरा सोचिए कितना फेम मिलेगा आपको, घर घर में जानी जाएंगी आप, गली गली में चर्चे होंगे आपके, अरे ये मोहल्ला क्या है, पूरे शहर में जानी पहचानी जाएंगी आप। हाँ, जैसे शाहरुख खान के पीछे भीड़ लग जाती है। हाँ, अरे सीरियल की तुलसी पार्वती भी कम मशहूर है क्या? एग्जैक्टली, अरे न्यूज़पेपर वाले, टीवी चैनल वाले आपका इंटरव्यू लेंगे, लोग तो आपसे ऑटोग्राफ लेंगे। सुहाना, कर लो, तुम वैसे भी जॉब तो करना चाहती थी। हाँ, ये बहू का ही तो जॉब है। बहू की जॉब? पर इंदर भैया, अलेश भैया, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। सीरियल में एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या है, बस हीरोइन को तो खूबसूरत दिखनी चाहिए। क्यों मामी जी, बताइए। हाँ, सीरियल में तो बस अच्छे कपड़े, अच्छे गहने पहन के बस खड़ी रहती है हीरोइन। हाँ। रियली? और कुछ नहीं करना होता? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ कह दो, कह दो, कह दो। हाँ कर दो। हाँ हाँ कह दो। कास्टिंग जी, मीना तुम जाओ रसोई में। मैडम आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। कह दीजिए ना। सुहाना, हाँ कह दो, कह दो, कह दो। ये अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, बोल बोलो। हाँ हाँ हाँ, कह दो। हाँ हाँ।
Okay, I'll do it. Thank you so much. Madam जी, कल सुबह production की गाड़ी आपको लेने आ जाएगी. कल ही मैं आपका एक screen test और एक scene shoot करके channel को भेज देता हूँ. बाकी सब final है. Okay, thank you भाभी जी. Thank you भाई साहब. भाई 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 मेरी audition तो देख लो audition. एक एक second. भाई 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 साहब audition देख. दीदी दिशा दीदी मैं एक्टिंग करूंगी सीरियल की मेन लीड क्या हुआ सुहाना तुमने हाँ कह दी लेकिन घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा बाप रे हमने तो घर वालों से पूछा तक नहीं हाँ नो प्रॉब्लम मैं बोल दूंगी चलिए क्या दीदी सुहाना को नौकरी करनी चाहिए क्या तू तो बस एक बात के पीछे पड़ गई है सुहाना ने इतना पढ़ लिख रखा है घर पर बैठकर क्या करेगी भाई कुछ काम करेगी तो दिल भी बहलेगा ना सच कह रहे बाबूजी रानो और मुझे बता तुझे चिंता किस बात की हो रही है काम तो दिशा भी करती है ना और घर का कामकाज भी अच्छे से संभाल लेती है तुझे आज तक कभी दिशा से तो शिकायत नहीं हुई और फिर रानो घर के काम करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना नहीं होते तो बात अलग थी हाँ मगर दीदी भाभी एक काम कीजिए आप थोड़ा सा रो लीजिए क्यों दिल हल्का हो जाए बड़ी माँ बड़ी माँ मुझे जॉब मिल गई क्या अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा इतनी जल्दी हाँ देखो एक ही दिन में इसे नौकरी मिल गई और अपना इलेश कब से नौकरी ढूंढ रहा है आज तक नहीं मिली दिशा तू आज खबर ले उसकी है और एक जूता तो मैं भी लगा ही दूंगा और क्या वैसे कौन सी नौकरी मिली है बहू की जॉब है वहाँ बहू की नौकरी मुझे एक डेली सोप पे आई मीन हिंदी सीरियल में बहू का रोल मिल गया है सीरियल का नाम है जहां पिया वहां मैं उसमें मुझे बहू का रोल मिला है रजनी दीदी और दिशा दीदी ने भी कहा कि हाँ कर लो मुझे उसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ अच्छी अच्छी साड़ी पहननी और अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहननी है पूछिए रजनी दीदी पिया वहां मैं तुमने हाँ बोल दिया हाँ मुझे नहीं लगता सुहाना को उस सीरियल में काम करने की इजाजत मिलेगी हाँ जॉब करने तक ठीक था मगर सीरियल में एक्टिंग ये तो कभी नहीं चाहेंगे हमारे घर वाले हाँ पर अब मुसीबत हमारी होने वाली है हमने सुहाना से हाँ कराई थी ना और उसने ये बात सबके सामने बोल भी दी सच में दी आज तो जरूर डांट पड़ने वाली है हमें मत मारी गई थी हमारी पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया अरे अजीब आदमी है आप अच्छे खासी नौकरी है आपके पास तो क्यों पीछे पड़ गए आप उसके चुप है सीरियल में एक्टिंग करने की बात ही कुछ और है मुझ में एक्टिंग के कीटाणु तुमसे ज्यादा है तुझसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता हूँ मैं वो तो पूरा मोहल्ला देख चुका है उसकी याद मत दिलाना मैं सर फोड़ दूंगा तेरा इलेश इंदर छोड़ो क्या फिर से क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों देखिए ना भाभी मैं अच्छा खासा उस कास्टिंग डायरेक्टर को पटा रहा था अपने रोल के लिए ये भैया ने आके अपनी टांग अड़ा दी बीच में मैं पूछता हूँ इनको क्या जरूरत है एक्टिंग करने की तुम्हें क्या जरूरत है एक्टिंग करने की ले भाई भाई मैं अनएम्प्लॉयड आदमी हूँ मुझे जॉब की सख्त जरूरत है अबे तो जॉब ढूंढना एक्टिंग क्यों करना चाहता है तू तो? शक्ल ना हीरो की ना विलेन की तो कॉमेडी करूंगा मैं कॉमेडी हो गया तुम दोनों को लड़ाई करनी है ना बाहर गली में जाके करो चलो हमें हमारे हाल पर छोड़ दो हाँ पहले से हम दोनों बहुत मुसीबत में
मुसीबत में? क्यों, क्या हुआ? सुहाना ने टीवी में काम करने से मना कर दिया? अरे उसने हाँ कह दी, यही तो मुसीबत है। वो सबसे बात कर रही है और अब थोड़ी देर में हमारी क्लास लगने वाली है। पता है, एक्टिंग की बात सुनकर सब ऐसे सन्न से रह गए। ऊपर से सुहाना ने भी सबसे कह दिया कि हम दोनों ने हाँ कह दिया है उसके लिए। तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, मुझे नहीं लगता कि घर में कोई मना करेगा। हो सकता है छोटी मामी थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, पर उनकी सुनता कौन है? इंदर, माँ हमें डांटेंगी तो नहीं ना? अरे नहीं रानी, माँ के विचार बहुत मॉडर्न हैं, वो चाची की तरह नहीं सोचती। हाँ ऐसे तो 100% श्योर भाई मैं भी नहीं। हाँ मतलब हो सकता है कि बड़ी मामी ना चाहे कि इस घर की बहू टीवी सीरियल में काम करे। क्या? एक मिनट, तुम दोनों ने भी तो कहा था सुहाना को हाँ बोलने के लिए। हाँ, दोनों ने कहा था। हाँ। हमने? हम तो अभी बाहर से आ रहे हैं। क्या? हाँ? हाँ। तुम्हें एक्टिंग आती है? नहीं। अरे भाई, एक्टिंग तो हमारे खून में है। बाबूजी आप क्या कह रहे हैं, सुहाना आपकी बहू है। अरे माँ नो स्ट्रेस, कास्टिंग गाय ने तो कहा है कि सीरियल में एक्टिंग करनी नहीं होती, सिर्फ रोना होता है हीरोइंस को। आप लोगों ने कहा जॉब कर लो तो मैंने कर लिया। बड़ी माँ मैंने ठीक किया ना? दीदी और दिशा दीदी को बता के आती। थैंक यू। अरे सुनो, जरा ये पता करो कि ये सीरियल में दादा का रोल है क्या? आओ जी। दादा तो कर ही सकते हो यार, क्या प्रॉब्लम? संभाल के, ये लो तुम्हारी चाय। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम जॉब को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हो। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, या तुम नहीं चाहते कि मैं जॉब करूँ? अरे नहीं सुहाना, मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो चाहता हूँ कि तुम जॉब करो, बल्कि मैंने तो सबके सामने भी नीचे कहा था, याद है, कि तुम जॉब करो, आई हैव नो इश्यूज। पर एक बात बताओ, ये रेज्यूमे तुमने खुद बनाया? इलेश भैया ने मेरी हेल्प की। इलेश भैया, अब पता चला कि उन्हें नौकरी मिलती क्यों नहीं है। मतलब? मतलब क्या, ये देखो ये ऐसे बनाते कोई रेज्यूमे। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है ये रेज्यूमे गलत है? मिस्टर ऋशान कश्यप, ये रेज्यूमे इलेश भैया ने बनाया। तुम्हें पता है इलेश भैया को कितना एक्सपीरियंस है रेज्यूमे बनाने में? हाँ सुहाना, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि देखो ये एक तो इतना लंबा रेज्यूमे, ऊपर से सब कुछ गलत लिखा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें ना डिनर के बाद अच्छा सा रेज्यूमे बना दूंगा, ओके? पर मुझे अब रेज्यूमे की जरूरत नहीं। एक सेकंड, क्या? क्यों नहीं, मतलब अब तुम्हें नौकरी नहीं करनी? मुझे अब जॉब की जरूरत नहीं है। क्यों? I have a good news for you. Good news? Good news! क्या सच? Oh my God, Swana, are you serious? Oh, I'm so happy. Swana, I love you. देखो Swana, इस बार हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। अरे लड़का हो लड़की हो, मुझे साथ चलेगा। And okay, नाम भी तुम्हें decide कर लेना। I have no problem. But Swana, I love you. Ishan, I'm not pregnant. क्या? क्या? The good news is मुझे जॉब मिल चुकी है। तुम्हें याद है वो कास्टिंग का जो हमें मुंबई में मिला था? हाँ हाँ हाँ।
बोल दिया। ईशान, आई एम डूइंग द मेन लीड इन द सीरियल। आई विल बी गेटिंग पेड टू प्ले अ बेचारी बहू। क्या? नहीं सुहाना, तुम ये नहीं कर सकती। नो। व्हाट? ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।